मॉर्निंग टू ऑल. टुडे इज 7th ऑफ अगस्त 2023 फॉर एंड वी आर गोइंग टू कवर आवर डेली डोज ऑफ करंट अफेयर्स फॉर यूपीएससी एंड स्टेट पीसीएस एग्जाम्स एज वेल. अलॉन्ग विद दैट यू हैव टू कवर ओनली स्पोर्ट्स न्यूज एंड सम अदर आर्टिकल्स विच इज रिलेटेड टू फॉर स्टेट पीसीएस एग्जाम्स. यूपीएससी एस्पिरेंट्स डोंट नीड टू डू एनीथिंग एल्स, जस्ट रीड एंड लिसन आवर करंट अफेयर्स. आज 7 अगस्त है 2023 की और आज हम डेली डोज ऑफ करंट अफेयर्स को एनालाइज करेंगे यूपीएससी एंड पीसीएस स्टूडेंट्स के लिए. सारे स्टेट्स के पीसीएस के एग्जाम्स का जो मेन पैटर्न नेशनल इंटरनेशनल न्यूज़ है वो कवर कर ले रहे हैं. इसके अलावा कभी आपको सिर्फ डेट्स एंड डेज याद करने होंगे या फिर उसका वीडियो लेक्चर देखना होगा या बोलो तो वो भी हम अरेंज कर देंगे आप लोगों के लिए. और सिर्फ स्पोर्ट्स रिलेटेड न्यूज़, क्योंकि स्टेट पीसीएस में स्पोर्ट्स से रिलेटेड न्यूज़ पूछ देते हैं. उसके अलावा नेशनल इंटरनेशनल जितने भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है वो हम कवर कर रहे हैं. सो डोंट बी वरी अबाउट दैट थिंग. एंड सो लेट्स कवर आवर फर्स्ट न्यूज़. दिस इज़ फॉर द इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स ओनली एंड फॉर हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स विल कवर द नेक्स्ट. आफ्टर दैट विल हैव अ नेक्स्ट वीडियो फॉर द हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स. ओके, सो दिस इंटायर सीरीज इज फॉर द इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स. सो लेट्स स्टार्ट विद आवर फर्स्ट न्यूज़. वाई इज इंडियन मिनी सेटेलाइट इन द न्यूज़? ओके, द न्यूज़ इज ऑफ साइंस एंड टेक एंड वी हैव कवर्ड इट फ्रॉम इंडियन एक्सप्रेस. ओके, फर्स्ट सी द दिस इज द इंडियन मिनी सैटेलाइट. ओके, या दिस इज द प्रोसेस. दिस इज इंडियन मिनी सैटेलाइट. ओके, सो लेट्स हैव अ ऑप्शन फर्स्ट. इट इज द लाइटेस्ट सैटेलाइट एवर बिल्ट इन इंडिया. ओके, सो यू हैव टू आंसर आइदर इट इज करेक्ट और नॉट. पहला कह रहा है लाइटेस्ट सेटेलाइट है इंडिया में बना हुआ. दूसरा कह रहा है इट इज़ फर्स्ट सेटेलाइट टू बी बिल्ट इंटायरली बाय स्टूडेंट्स, मतलब इन स्टूडेंट्स के द्वारा बनाया हुआ पहला सेटेलाइट है. दिस इज द फर्स्ट सेटेलाइट टू बी लॉन्च्ड बाय इंडिया फ्रॉम अ फॉरेन सॉइल या फॉरेन कंट्री. और फोर्थ वन इज इंडिया इज द फर्स्ट, इट इज द फर्स्ट सेटेलाइट टू बी लॉन्च्ड बाय इंडिया ऑन अ कॉमर्शियल मिशन. ठीक है, तो आपको बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट इसमें से करेक्ट है. ठीक है, यहाँ पे हम देख लेते हैं ऑप्शन. आंसर डी इज करेक्ट. विल चेंज आवर पेन. इंडिया इंडियन मिनी सेटेलाइट इज द फर्स्ट सेटेलाइट टू बी लॉन्च बाई इंडिया ऑन अ कॉमर्शियल मिशन. ये याद रखिएगा, इंडियन सेटेलाइट जो है 5 अगस्त को लॉन्च किया गया था सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा से. ठीक है, क्यों लॉन्च किया गया है कॉमर्शियल बेसिस का उस पर थोड़ा सा जान लेते हैं. उससे पहले ये जान लेते हैं कि IMS, ठीक है, वन जो है सेटेलाइट, उसने क्या किया है, अपने डेटा ट्रांसफर किया है. मतलब अगर उसने अनाउंसमेंट किया है ट्रांसफरिंग IMS-1 सेटेलाइट बस टेक्नोलॉजी टू अल्फा डिजाइन टेक्नोलॉजीज. ओके, एंड अल्फा डिजाइन टेक्नोलॉजीज इज अ प्राइवेट इंडियन स्पेस अकेडमी कंपनी. दिस इज द फर्स्ट टाइम दैट इंडिया हैज लॉन्च अ सेटेलाइट ऑन कॉमर्शियल बेसिस. ये पहली बार ही हुआ है जब इंडिया ने कॉमर्शियल बेसिस पे लॉन्च किया है सेटेलाइट को. एंड इफ यू टॉक अबाउट इंडियन मिनी सेटेलाइट, वन इज अ स्मॉल सेटेलाइट दैट वेज ओनली 100 kgs एंड इट इज डिजाइन टू एनेबल लो कॉस्ट एक्सेस टू स्पेस. सस्ते दर पे आप स्पेस को कवर कर सकते हो, एक्सेस कर सकते हो. सस्ते दर मतलब ये नहीं कि 100-200 रुपये, अभी भी 100 करोड़ पार ही होगा. द सेटेलाइट कैन कैरी 30 किलोग्राम पे लोड्स एंड अ लाइफ स्पैन ऑफ 5 ईयर्स. दे हैव अ लाइफ स्पैन 5 सालों के बाद ये डेड हो जाता है. एंड इट इज एक्सपेक्टेड टू यूज फॉर अर्थ इमेजिन ओशियन एटमोस्फेरिक एंड माइक्रोवेव रिमोट सेंसिंग. ओके, द लॉन्च ऑफ इंडियन सेटेलाइट वन इज अ सिग्निफिकेंट माइलस्टोन फॉर इंडियन स्पेस प्रोग्राम डेफिनेटली, बिकॉज एक कॉमर्शियल बेसिस पे से लॉन्च किया गया और प्राइवेट एजेंसी के द्वारा लॉन्च किया गया है, तो इसीलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है. सो यू हैव टू रीड ऑल दिस एक्सप्लेनेशन इफ यू वॉन्ट टू, एल्स आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन एवरीथिंग. सो डोंट नीड टू रीड, और इफ यू वॉन्ट द वी हैव ऑलरेडी पुट इन द टेलीग्राम चैनल द PDF ऑफ दैट पर्टिकुलर करंट सीरीज. सो गो एंड रीड देयर. एंड वन मोर थिंग, इट वॉज प्रीवियसली यूज्ड इन बाय इसरो इन मिशन लाइक यूथ सैट एंड माइक्रो सैट 2D. ओके, एंड दिस इज ऑल फॉर दिस न्यूज.
news is covered from Indian Express. If you want to read the whole article, go and read from there so that you will get a broader perspective also. So next news is, why is Manas National Park in the news? Manas National Park news में क्यों है? Environment ecology का question है from the Hindu. If you want, you will read from the Hindu. The statements are, first we'll have that Manas National Park. This is a Manas National Park. Okay. Even a study IUCN have already covered this topic. One of the India's biggest online platform. Okay, so let's come to the news. News ये कह रहा है, it has been re-inducted into the UNESCO World Heritage Site. Either it is correct, बिल्कुल ये एकदम करेक्ट है. फिर से यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में इसको री इंडक्ट किया, मतलब इंक्लूड किया गया है. इट हैज बिन डिक्लेयर्ड अ टाइगर रिजर्व. नहीं, ये भी गलत है. इट हैज बिन अफेक्टेड बाय फ्लड्स. इट हैज बिन अफेक्टेड बाय पॉचिंग. ओके, न्यूज़ में क्यों है वो देख लेते हैं. रिसेंटली क्या हुआ है? ग्रीन एक्टिविटीज टोल्ड दैट मानस नेशनल पार्क इज ऑलमोस्ट 63% शॉर्ट ऑफ स्टाफ. इज द मेन थिंग, 63% शॉर्ट ऑफ स्टाफ, दैट्स वाई इट इज इन न्यूट शॉर्ट. ओके, दे नीड एक्चुअली स्टाफ. नाउ लेट्स टॉक अबाउट समथिंग. मानस नेशनल पार्क हैज बीन इंडक्टेड टू द यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट. ओके, एंड नेशनल पार्क वॉज इंस्क्राइब्ड ऑन द यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट इन 1985. इट वॉज रिमूव्ड फ्रॉम द लिस्ट इन 2015. 2015 में हटा लिया गया था, 2085 में डाल 1985 में डाला गया था. और पोचिंग बहुत हो रहे थे, मतलब कि थ्रेट्स बहुत बढ़ रहे थे और बहुत ज़्यादा जानवरों को किल किया जा रहा था, दैट्स वाई इसे हटाया गया था. 2023 द पार्क वॉज इंडक्टेड टू द लिस्ट आफ्टर सक्सेसफुल कंजर्वेशन एफर्ट. हमने बहुत ध्यान रखा, कंजर्वेशन किया और फिर से इसे री इंडक्टेड कर दिया गया. ठीक है, एंड दिस इज अ सिग्निफिकेंट विक्ट्री फॉर द कंजर्वेशनिस्ट. दे हैव डू डिड अ रियली अ गुड जॉब टू प्रिजर्व एंड रिमूव पोचिंग केसेस. एक्चुअली लेट्स टॉक अबाउट सम एडिशनल डिटेल्स अबाउट वाई मानस नेशनल पार्क इज इन द न्यूज. इन 2015 मानस नेशनल पार्क वॉज रिमूव फ्रॉम द यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट. ये एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है. लिस्ट ड्यू टू पॉचिंग एंड अदर थ्रेट्स. ओके, द पार्क वॉज लूजिंग इट्स राइनोज बहुत ज़्यादा किल हो रहे थे, टाइगर्स एंड अदर वाइल्ड लाइफ एट एन अलार्मिंग रेट, बहुत रैपिडली किल हो रहे थे. इन 2016 इंडियन गवर्नमेंट लॉन्च द कंजर्वेशन मेजर कंजर्वेशन एफर्ट इन मानस नेशनल पार्क. दिस एफर्ट इंक्लूडेड इंक्रीज्ड पेट्रोलिंग, इम्प्रूव्ड लॉ इन्फोर्मेंस एंड कम्युनिटी आउटरीच प्रोग्राम्स ऑल्सो. ठीक है, सारे प्रोग्राम्स को ये किया गया. इन 2023 इट वॉज री इंडक्टेड. सो दिस इज द गुड थिंग फ्रॉम द मानस नेशनल पार्क. एंड वन मोर थिंग, मानस रिवर इज द मेजर ट्राइब्यूटरी ऑफ ब्रह्मपुत्रा रिवर. रिमेंबर दैट थिंग. ब्रह्मपुत्रा. ओके, एंड इफ यू टॉक अबाउट फौना, इट्स लाइक सच एज राम रूफ्ड टर्टल एंड गोल्डन लगूर आर द फौनाज, आर इन द फौनाज. एंड इफ यू टॉक अबाउट द फ्लोरा, सब हिमालयन ग्रासलैंड इकोसिस्टम एक्चुअली. ओके, सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट न्यू न्यूज. एंड द न्यूज इज फ्रॉम भू विजन. वाई इज भू विजन इन द न्यूज? एंड इट्स अ टॉपिक फ्रॉम द एग्रीकल्चर एंड वी हैव कवर्ड फ्रॉम टाइम्स टेक डॉट इन. टाइम्स टेक डॉट इन से हमने इसे कवर किया है. ठीक है, भू विजन के बारे में थोड़ा आप जान लो, देख लो, अच्छी रहेगी. दिस इज द स्टेप भू विजन. ओके, नाउ लेट्स मूव टू द आवर टॉपिक. वाई इट इज इन न्यूज एक्चुअली क्या हुआ है? रिसेंटली अ रिवोल्यूशनरी
IoT बेस्ड ऑटोमेटेड सॉयल टेस्टिंग एंड एग्रोनॉमी एडवाइजरी प्लेटफॉर्म भू विजन वॉज ऑफिशियली लॉन्च एट AICRP हैदराबाद। ओके मतलब देखा जाए तो एक तरह का टेक्नोलॉजी लॉन्च किया गया, ठीक है, फॉर टेस्टिंग एंड एग्रोनॉमी एडवाइजरी प्लेटफॉर्म की तरह, जो कि सॉइल को टेस्ट करेगा और बताएगा वेदर इट इज़ गुड और नॉट फॉर इरिगेशन एंड अदर थिंग्स। ओके सो फर्स्ट विल भूविजन, आई विल लेट्स टॉक अबाउट वाई भूविजन इन द न्यूज। इट इज़ बीइंग यूज्ड टू एक्सेस द डैमेज कॉज बाय द रिसेंट फ्लड्स इन असम एंड मेघालय। डेफिनेटली असम इज एक्चुअली फेसिंग अ बिगेस्ट फ्लड गोइंग ऑन एंड सो दिस इज बेसिकली अ बिग थिंग। सो दिस इज द करेक्ट आंसर। एंड सेकेंड वन इज इट इज एन इंटरनेट ऑफ थिंग्स बेस्ड सॉइल टेस्टिंग प्लेटफॉर्म। ओके इंटरनेट ऑफ थिंग्स और आइदर वी कॉल IoT बेस्ड सॉइल टेस्टिंग प्लेटफॉर्म। होता क्या है जब बाढ़ आ जाती है, बाढ़ ख़त्म होती है, उसके बाद क्या होता है, सॉइल कैसा है, क्योंकि बाढ़ अपने साथ बहुत सारे जो है वो पार्टिकल्स को लेकर आती है, आइदर दे आर गुड फॉर द इरिगेशन और नॉट, ये उसी चीज़ को हम भू विज़न के थ्रू, इस प्लेटफॉर्म के थ्रू पता लगा सकते हैं। ठीक है सो लेट्स टॉक अबाउट सम द टॉपिक्स। द रिसेंट फ्लड इन असम एंड मेघालय हैव कॉज्ड वाइड स्प्रेड डिस्ट्रक्शन। ओके एंड वो विज एन इमेजेस इमेजेस हैव बीन यूज्ड टू एक्सेस द डैमेज कॉज्ड बाय द फ्लड्स एंड टू हेल्प विद द रिलीफ एंड रेस्क्यू एफर्ट। एंड द इमेज हैव ऑल्सो बीन यूज्ड टू आइडेंटिफाई एरिया दैट आर एट रिस्क ऑफ फ्यूचर फ्लडिंग ऑल्सो। एंड अलॉन्ग विद दैट इट इज़ वेरी मच बेनिफिशियल फॉर द इरीगेशन, लाइक कि आइदर दिस लैंड इज पर्टिकुलरली फॉर द इरीगेशन और नॉट। इट मीन्स दैट इट प्रोवाइड्स क्विक एंड एक्यूरेट रिजल्ट डायरेक्टली टू फार्मर्स एंड स्टेक होल्डर थ्रू अ सॉइल टेस्ट कार्ड ऑन देयर मोबाइल डिवाइसेज एज वेल। एंड हैज़ बीन जॉइंटली डेवलप्ड बाई ICAR एंड प्लस IIRR प्लस इसरो एज वेल। ओके सो भूविजन हैज़ टू प्लेटफॉर्म्स, वन इज़ ए हाई रेजोल्यूशन सेटेलाइट इमेजिंग सिस्टम डेवलप्ड बाई इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। ओके एंड वन इज ICAR प्लस IIRR हैव मेड इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ आइस रिसर्च सॉरी राइस रिसर्च एंड कृषि तंत्र। एंड भू विजन ऑफ विच इज मेड बाई ICAR एंड IIR इज एक्चुअली सिस्टम सीमलेसली कंडक्ट्स 12 की सॉइल पैरामीटर टेस्ट इन जस्ट इन 30 मिनट्स। तो होता क्या है कि जो इसरो का जो ये सेटेलाइट बनाया गया है, ये क्या करता है कि बताता है कि फ्लड्स आने के बाद क्या सिचुएशन है, और उसके अलावा जो आयकर और IIRR और कृषि तंत्र ने एक बनाया है भू विजन, ठीक है, वो क्या करता है आपको बताता है कि ये पर्टिकुलर सॉइल कैसा है, मतलब फॉर इरिगेशन गुड हेल्थ है या नहीं है सॉइल का, ये बताता है। ठीक है तो देखो इससे दो अलग अलग न्यूज़ निकल के आ गया, कभी कभार आपसे सेटेलाइट के बारे में भी पूछ देगा और कभी कभार आपसे भू विज़न पर्टिकुलरली जो डेवलप किया गया है इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च उसके द्वारा जो है वो पूछा जाएगा, तो आपको दोनों के लिए स्पेसिफिक आंसर्स देने पड़ेंगे। मैंने आपको दोनों के बारे में पर्सपेक्टिव बता दिया, ठीक है, इसमें क्या क्या कवर होते हैं ये सारे का सारे यहाँ विजन में अपलोडेड है ऑलरेडी। 2022 में ये पहला बार लॉन्च किया गया था रिसेंटली ड्यू टू पोटेंशियल एप्लीकेशन है डिजास्टर मैनेजमेंट ऑल्सो। ओके सो लेट्स कम टू द फोर्थ न्यूज, वाई इज द क्लाउडेड लियोपार्ड इन द न्यूज। फर्स्ट सी द क्लाउडेड लियोपार्ड, इट्स अ क्लाउडेड लियोपार्ड। ओके नाउ कम्स टू द न्यूज,
And the news is, it is the most endangered cat species in the world. Of course, it is correct. Clouded leopard is the most endangered cat species in the world. तो ये तो बिल्कुल सही है कि एंडेंजर्ड कैटेगरी में है ये IUCN के रेड लिस्ट में. एंड हैज बीन कैप्चर्ड ऑन कैमरा फॉर द फर्स्ट टाइम इन अ डिकेड. नहीं, ऐसा कुछ नहीं है. इट हैज बीन फाउंड टू बी लीविंग इन अ न्यू हैबिटाइट. सो दिस इज ऑल्सो रॉन्ग. ओके. एंड हैज बीन डिक्लेयर्ड अ की स्टोन स्पीसीज ऑल्सो. This is also not correct. So let's talk about the cloud leopard, the most endangered cat species. Okay, and the clouded leopard. Let's talk. Clouded leopards are critically endangered with an estimated 10,000 individuals remaining in the world. They are threatened by habitat loss, poaching, conflict and with humans is the main factor. Okay. And if we talk about cloud leopards, has been in the recent news due to a number of factors. In 2023, a group of scientists captured the first images of clouded leopard in a decade in the forest of Myanmar. पहली बार क्या हुआ है कि एक डेकेड में 10 सालों में उसका फोटो भी नहीं हुआ पहली बार. लेकिन हाँ, जो ये कह सकते हो आप कि उसका फोटो क्लिक किया गया साइंटिस्टों के द्वारा 10 सालों में पहली बार ऐसा हुआ है. ठीक है, इसीलिए थोड़ा सा न्यूज़ में बनता है. एंड इफ यू टॉक मोर अबाउट क्लाउडेड लियोपार्ड, सो इन एडिशन द क्लाउडेड लियोपार्ड हैज बीन फाउंड टू बी लिविंग इन अ न्यू हैबिटेट. 2022 में क्या हुआ, साइंटिस्ट डिस्कवर्ड ए पॉपुलेशन ऑफ क्लाउडेड लियोपार्ड्स इन द फॉरेस्ट ऑफ वियतनाम. ऑल्सो वियतनाम में भी इसका अच्छा खासा, मतलब देखा जाए तो ये है, क्लाउडेड लियोपार्ड्स पाए जाते हैं. ठीक है, और अगर बात करें तो क्लाउडेड लियोपार्ड्स हैज ऑल्सो बीन डिक्लेयर्ड एज अ कीस्टोन स्पीसीज. ये भी इंपॉर्टेंट है. फॉर एग्जाम्पल, क्लाउडेड लियोपार्ड हेल्प टू कंट्रोल द पॉपुलेशन ऑफ प्रे एनिमल्स सच एज डियर एंड मंकीज. एक्चुअली ये लोग जो शिकार जो करते हैं वो प्रीज एंड मंकीज का ही करते हैं. तो इसीलिए कहा जाता है कि जो है ये प्रीज को भी कंट्रोल करने का काम करते हैं. ओके. एंड इफ यू टॉक अबाउट द रिसेंट न्यूज़ अबाउट क्लाउड पर हाईलाइट द इम्पोर्टेंस ऑफ अ कंजर्वेशन एफर्ट्स. कंजर्वेशन एफर्ट्स का ज़रूरत है. दे आर ब्यूटिफुल कैट्स एंड फेसिंग एक्सटिंक्शन एंड मीन टू डू एवरीथिंग वी टू प्रोटेक्ट दैम. डेफिनेटली हमें पोचिंग रोकनी चाहिए. ह्यूमन कॉन्फ्लिक्ट की वजह से ये जो मारा जाता है, वैसे भी इनका ब्लैक मार्केटिंग बहुत ज़्यादा होता है. और ये सब बिकॉज ऑफ कि कहते हैं ह्यूमंस की वजह से होता है. तो इस वजह से इसको हमें इसको के ऊपर पर्टिकुलरली ध्यान देना चाहिए. ठीक है, और अगर बात करूं तो कहां कहां ये पाया जाता है, सिक्किम, नॉर्थ वेस्ट बंगाल में. ठीक है, और देखा जाए तो मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, मणिपुर, असम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश. देखा जाए तो नॉर्थ ईस्ट कैटेगरी में ये बहुत देखा जाता है. ठीक है, दूसरी बात है ये स्टेट एनिमल भी है मेघालय का, याद रखना स्टेट एनिमल भी है. ठीक है, चलिए तब नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं. Why is shorecom in the news? ठीक है, न्यूज़ को हमने दिया है डाउन टू अर्थ से. एंड दिस न्यूज़ इज फ्रॉम द एग्रीकल्चर. शोरगम देख लेते हैं पहले, आपके लिए भी आसानी होगी. ये है शोरगम. ठीक है, ये जो देख रहे हो यही है शोरगम. एंड इट इज अ ड्राउट टॉलरेंट क्रॉप दैट इज बिकमिंग मोर पॉपुलर इन द फेस ऑफ क्लाइमेट चेंज. ओके, एंड सेकेंड वन सेज it is a good source of protein and fiber and it is being promoted as a healthier alternative to wheat and rice. Fourth कह रहा है, it is a versatile crop that can be used for food, fodder and biofuel. तो ये बिल्कुल सही है. It is a versatile crop that can be used for food, fodder and biofuel.
बिल्कुल सब प्रोटीन एंड फाइबर बिल्कुल ये भी करेक्ट है। इट इज़ अ ड्राउट टॉलरेंट क्रॉप, ड्राउट को भी टॉलरेट कर लेता है एंड बिकमिंग मोर पॉपुलर इन द फेस ऑफ द क्लाइमेट चेंज में भी सबसे ज़्यादा पॉपुलर है। फोटो आपने देख ही लिया इमेज इसका, तो मतलब चारों के चारों जो स्टेटमेंट है वो करेक्ट है। ओके, शुगम इज अ ड्राउट टॉलरेंट क्रॉप दैट इज बिकमिंग मोर पॉपुलर इन द फेस ऑफ द क्लाइमेट चेंज, दिस इज अ गुड थिंग। ओके, और एक्चुअली क्या है कि न्यू शॉर्गम वैराइटीज एक्चुअली डेवलप्ड बाय यूनाइटेड स्टेट्स डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर कैन हेल्प मीट द न्यूट्रिशन नीड्स ऑफ मदर एंड चिल्ड्रेन स्पेशली इन सब सहारन अफ्रीका। क्या होता है कि अफ्रीकन कंट्रीज जो हैं लैक ऑफ न्यूट्रिएंट्स एवं लैक ऑफ फूड रहते हैं, तो इसीलिए न्यू शोरगम वेराइटीज़ को डेवलप किया जा रहा है सो दैट कि यूएसओ के द्वारा, ताकि जो अफ्रीकन रीजन्स में एटलीस्ट न्यूट्रिएंट्स के तौर पे ये तो प्रोवाइड किया जाए। ओके, एंड इज़ ऑल्सो कॉल्ड अ ग्रेट मिलेट, इंडियन मिलेट, मीलो ड्यूरा और शालू सीरियल ग्रेन प्लांट ऑफ द ग्रास फैमिली पोशाई। ओके, एंड इट इज़ एडिबल स्टार्ची शीट्स एंड इज वेरी मच बेनिफिशियल एंड यू विल गेट अ हाई क्वान्टिटी ऑफ प्रोटीन ऑफ दैट। ओके, एंड रिसेंट न्यूज़ हाईलाइट्स एक्चुअली द इम्पोर्टेंस ऑफ द क्रॉप, शुगम इज अ मेजर ड्राउट टॉलरेंट एंड न्यूट्रिश एंड वर्सटाइल क्रॉप। ठीक है, जब सूखा भी पड़ जाए तो भी इससे कोई तरह का फर्क नहीं पड़ता। एंड इफ यू टॉक अबाउट सम एडिशनल इन्फॉर्मेशन, सो दिस इज अ गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन, यूनाइटेड नेशंस हैज डिक्लेयर इट एज इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स विच इंक्लूड्स शॉर्गम एंड दिस इज रेज अवेयरनेस दिस टू रेज अवेयरनेस ऑफ द इम्पोर्टेंस ऑफ मिलेट एज अ फूड क्रॉप एंड टू प्रोमोट कल्टिवेशन, ताकि जो अफ्रीकन भूखे रहते हैं वो ना रहें। ओके, सो लेट्स कम्स विद द नेक्स्ट न्यूज़, वाई आर ए पी आई इज इन द न्यूज़। ओके, एंड बिफोर दैट फर्स्ट लेट मी नो व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ ए पी आई। आई एम गिविंग यू 5 सेकेंड्स टू जस्ट आंसर द क्वेश्चन, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ ए पी आई। योर 5 सेकेंड्स इज ऑलरेडी ओवर्ड एंड द ए पी आई मीन्स एक्टिव फार्मास्यूटिकल्स इंग्रेडिएंट्स। ओके, वाई आर एक्टिव फार्मास्यूटिकल्स इंग्रेडिएंट्स इन द न्यूज़, द न्यूज़ कवर्ड फ्रॉम द साइंस एंड टेक एंड द न्यूज़ ऑलरेडी पब्लिश्ड इन द इकोनॉमिक टाइम्स। ओके, वाई इट इज़ इन न्यूज़, बिकॉज यूनियन हेल्थ मिनिस्टर रिसेंटली सेड दैट इंडिया हैज़ स्टार्टेड मैन्युफैक्चरिंग 38 एक्टिव फार्मास्यूटिकल्स इंग्रेडिएंट्स और ए पी आईज इन द लास्ट 1.5 ईयर। ओके, 1.5 ईयर। ठीक है, 38 एक्टिव फार्मास्यूटिकल न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि यूनियन हेल्थ मिनिस्टर ने कहा है कि हमने 38 एक्टिव फार्मास्यूटिकल यूनिट्स जो है वो मैन्युफैक्चर करना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, अब ए पी आईज के बारे में बात कर ले तो द आंसर वन इज देर इज अ ग्लोबल शॉर्टेज ऑफ ए पी आईज। बिल्कुल, अब इसीलिए हमने इसे स्टार्ट किया, दिस वन इज करेक्ट आंसर। ओके, ग्लोबल शॉर्टेज ऑफ ए पी आईज इज अ प्रॉब्लम दैट इज अफेक्टिंग पेशेंट्स एंड हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स अराउंड द वर्ल्ड। दैट्स वाई इंडिया ने स्टार्ट कर दिया है कि भाई हम खुद का बनाएंगे, ताकि ग्लोबल शॉर्टेज के से हमें फर्क नहीं पड़ेगा, हमारा कम से कम जो भी रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल होता रहेगा। ओके, द शॉर्टेज इज ड्यू टू अ नंबर ऑफ फैक्टर्स इंक्लूडिंग इंक्रीज डिमांड फॉर ए पी आईज फ्रॉम इमर्जिंग मार्केट। इमर्जिंग मार्केट से बहुत ज़्यादा डिमांड हो रहा था तो भी ए पी आईज का शॉर्टेज हुआ। COVID-19 पैंडेमिक डिसरप्शन सॉ टू मैन्युफैक्चरिंग, COVID-19 की वजह से जो मैन्युफैक्चरिंग में जो डिस्टर्बेंस आई थी वो भी एक रीज़न था। जियो पॉलिटिकल टेंशन्स की वजह से भी ये हुआ था। ठीक है, एंड इफ आई टॉक अबाउट सम एडिशनल इन्फॉर्मेशन, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स आर द केमिकल कंपाउंड दैट प्रोड्यूस द डिजायर्ड इफेक्ट ऑफ फार्मास्यूटिकल ड्रग एंड दे आर एसेंशियल कंपोनेंट्स ऑफ प्रिस्क्रिप्शन एंड ओवर द काउंटर मेडिकेशन। ए पी आईज आर टिपिकली सिंथेसाइज इन लेबोरेटरीज बट आर ऑल्सो बी एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम नेचुरल सोर्सेज, लेबोरेटरीज में भी बनाया जाता है और नेचुरल सोर्सेज से भी इसे जो है एक्सट्रैक्ट करते हैं। सो दैट्स वाई इट इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट इन द हेल्थ सेक्टर।
एंड द शॉर्टेज ऑफ एपीआई इज अ सीरियस प्रॉब्लम, सो इसीलिए हमने खुद का प्रोडक्शन जो है स्टार्ट कर दिया। ठीक है, अब नेक्स्ट विल कवर द नेक्स्ट न्यूज इज फॉर द डिजिटल पोर्टल फॉर ऑफ द CRPS। ओके, एंड वाई इट इज इन न्यूज एंड द न्यूज इज एक्चुअली फ्रॉम कम द फॉर द गवर्नमेंट स्कीम्स एंड इनिशिएटिव एंड द न्यूज इज कवर फ्रॉम द PIB, इट इज प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो। एंड आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि अगर कोई भी न्यूज प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो से है, ओके, तो उसे जो है आप एक अलग पेपर में नाम उसका सिर्फ हेडलाइन डाल दो, डिजिटल पोर्टल ऑफ द CRCS इन, ओके, नथिंग एल्स। और जब एग्ज़ाम का टाइम आए तो जितने भी 600 650 आपके PIB हैं उसको बस 30 सेकेंड्स में इंटरनेट पे बस देख लो, हल्का ऊपर देख लो, तो आके ये होगा कि PIB से 4 से 5 क्वेश्चन लिए जाते हैं करंट अफेयर के साल भर में। ठीक है, मैंने तो करनी पड़ेगी। वाई इट इज़ इन न्यूज़ एक्चुअली यूनियन होम मिनिस्टर एंड मिनिस्टर ऑफ कॉपरेशन विल सून लॉन्च द डिजिटल पोर्टल ऑफ द सेंट्रल रजिस्ट्रार ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज। ओके, सेंट्रल रजिस्ट्रार ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी, दैट्स वाई इट इज़ इन न्यूज़। ओके, लेट्स टॉक अबाउट द ऑप्शंस। इट इज़ अ न्यू इनिशिएटिव टू डिजिटलाइज कोऑपरेटिव सेक्टर्स, बिल्कुल करेक्ट, अभी मैंने बताया। इट विल बी मेक इट इजियर फॉर कोऑपरेटिव सोसाइटीज टू रजिस्टर एंड ऑपरेट, 100% करेक्ट। इट विल इम्प्रूव ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी इन द कोऑपरेटिव सेक्टर, इससे ट्रांसपेरेंसी बढ़ेगी और अकाउंटेबिलिटी भी बढ़ेगी कोऑपरेटिव सेक्टर में, मतलब चारों के चारों आंसर जो है करेक्ट है। ठीक है, न्यूज़ में क्यों है मैंने बता दिया आपको, अब थोड़ा सा इसके बारे में जान लेते हैं। ठीक है, कल ही जो है डिजिटल पोर्टल ऑफ द CRCS लॉन्च किया गया। ठीक है, इसीलिए आज न्यूज़ में आई, बाय द यूनियन होम मिनिस्टर मिनिस्टर ऑफ कॉपरेशन अमित शाह, द पोर्टल इज वन स्टॉप शॉप फॉर कॉपरेटिव सोसाइटीज इन इंडिया। इट विल ऑल्सो अलाउ कॉपरेटिव सोसाइटीज टू रजिस्टर, अमेंड देयर बाई लॉस, फाइल एनुअल रिपोर्ट्स, रिटर्न्स एंड अप्लाई फॉर लोन्स ऑनलाइन। द पोर्टल विल ऑल्सो प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट कॉपरेटिव सोसाइटीज इंक्लूडिंग देयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एंड ऑडिट रिपोर्ट्स। ओके, डिजिटल पोर्टल ऑफ द CRCS इज अ मेजर स्टेप फॉरवर्ड फॉर द कॉपरेटिव सेक्टर इन इंडिया। इट विल इजी फॉर कॉपरेटिव सोसाइटी टू ऑपरेट एंड विल इम्प्रूव ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी ऑल्सो। ठीक है, तो ये एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन थी, तो वो देख लें। इससे क्या है, कॉपरेटिव सोसाइटीज़ को रजिस्टर और ऑपरेट करने में बहुत आसानी मिलेगी, एक तरह का डिजिटल पोर्टल है, आदमी मोबाइल से भी यूज़ कर सकता है। ठीक है, और इससे क्या होगा कि पोर्टल बनने के बाद एक बेनिफिट ये हो सकता है, 15 लाख कॉपरेटिव सोसाइटीज़ जो है वो बेनिफिट उठाएंगे इस पोर्टल से, दैट्स वाई ये एक न्यूज़ में निकल के आई है। ठीक है, तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मार्क माई वर्ड, ये जो स्कीम है इसे वेरी 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 इंपॉर्टेंट कैटेगरी में रख लो। ठीक है, नेक्स्ट न्यूज इज वाई इज भारत नेट प्रोजेक्ट इन द न्यूज, गवर्नमेंट स्कीम इनिशिएटिव फ्रॉम हिंदू बिजनेस लाइन से इस न्यूज को लिया गया। ओके, एंड इट इज अ प्रोजेक्ट, द ऑप्शंस आर, इट इज अ प्रोजेक्ट टू प्रोवाइड ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिटी कनेक्टिविटी टू ऑल ग्राम पंचायत इन इंडिया, एंड ये बिल्कुल करेक्ट है। इट इज़ अ प्रोजेक्ट टू प्रोवाइड ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी टू ऑल स्कूल्स। प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि हर घर में इंटरनेट पहुंचाने का जो हमारा सपना है वो हम पूरा करेंगे। ठीक है, तो इसीलिए ये न्यूज़ निकल के आई है। इवन मैं आपको पहले एक्सप्लेनेशन ही बताता हूँ, एक्चुअली क्या हुआ है, अभी रिसेंटली 1,39,000 1,39,579 करोड़ ऑफ फंड ऑलरेडी अप्रूव्ड बाई यूनियन कैबिनेट फॉर द नेक्स्ट फेज ऑफ भारत नेट टू मेक 5G नेटवर्क अवेलेबल टू रिमोट एरियाज ऑफ द कंट्री। ओके, दिस इज द मेन एक्चुअली बेसिक थिंग, दैट्स वाई इट इज इन न्यूज। एंड इफ यू टॉक अबाउट भारत नेट प्रोजेक्ट, द नेशनल ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क लॉन्च्ड इन 2011, ओके, एंड वॉज रीनेम्ड भारत नेट प्रोजेक्ट इन 2015। अर्लियर नेम वॉज नेशनल ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क, NOFN। ओके, सो इट इज़ अ प्रोजेक्ट टू प्रोवाइड टेली मेडिसिन सर्विसेज टू ऑल रूरल एरियाज ऑफकोर्स एंड ऑल ऑफ द अबव, इट इज करेक्ट। एक्चुअली थोड़ा ही नहीं बता दूँ, कोरोना के बाद क्या हुआ है कि लोग हॉस्पिटल जाने से भी डरते हैं क्योंकि कोरोना बढ़ गया था, तो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स बहुत बनाए गए थे ताकि
जो है वो आप आसानी से ट्रीटमेंट करा सकें, प्लस रिमोट एरिया से एक अर्बन पॉप एरिया को जोड़ा जाए मेट्रो सिटी से, ताकि सब लोग इसका फ़ायदा उठा सकें। तो मेन पर्सपेक्टिव इज़ टू बिकेम टू एक्चुअली फॉर द रूरल पीपल टू कनेक्ट विद द अर्बन पीपल। दैट्स वाई भारत नेट प्रोजेक्ट इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट एंड इज अ प्रोजेक्ट टू प्रोवाइड ऑप्टिकल फाइबर कनेक्टिविटी टू ऑल ग्राम पंचायत, सो कैन करप्शन बिकम लेस एंड एवरीबडी विल बेनिफिट फ्रॉम दैट पर्टिकुलर कनेक्टिविटी। इफ़ यू गॉट अ इंटरनेट इन योर होम सो यू कैन एक्सप्लोर द एंटायर वर्ल्ड जस्ट सिटिंग इन योर होम, नो नीड टू गो एनी वेयर एंड नो नीड टू रीजन एनी थिंग, जस्ट एक्सप्लोर द एंटायर वर्ल्ड विद जस्ट सिटिंग इन योर चेयर इन योर होम। ओके, द भारत नेट प्रोजेक्ट इज अ प्रोजेक्ट टू प्रोवाइड ऑप्टिकल फाइबर कनेक्टिविटी टू ऑल ग्राम पंचायत, प्रोवाइड ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी टू ऑल स्कूल्स इन इंडिया एंड प्रोवाइड टेलीमेडिसिन सर्विसेज टू ऑल रूरल एरियाज इन इंडिया। भारत नेट प्रोजेक्ट इज अ नेशनल ऑप्टिकल फाइबर प्रोजेक्ट लॉन्च बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 2019 2011 में, एंड अर्लियर नेम था उसका NOFLN एंड अब उसका 2015 में नाम बदल के भारत नेट प्रोजेक्ट कर दिया गया। ओके, भारत नेट प्रोजेक्ट इज बीइंग इंप्लीमेंटेड बाय द भारत संचार निगम लिमिटेड दैट इज BSNL। द प्रोजेक्ट इज डिवाइडेड टू फेजेस, फेज वन ऑफ द प्रोजेक्ट वॉज कम्प्लीटली इन 2020-19 एंड इट्स अ बिग ह्यूज सक्सेस, कनेक्टेड 1.5 लाख GPs इन इंडिया एंड फेज टू ऑफ द प्रोजेक्ट इज करंटली अंडर वे एंड एम्स टू कनेक्ट द रिमेनिंग 1 लाख ग्राम पंचायत इन इंडिया। ओके, सो दिस इज अ बिग सक्सेस फॉर द इंडिया, बहुत बड़ी बात है कि 1.5 लाख पहले ही ग्राम पंचायत को कवर कर लिया गया, 1 लाख जो है बचे हुए तो उसको फेज टू में कवर किया जा रहा है। ठीक है, दिस इज द न्यूज, जस्ट इफ यू वॉन्ट यू विल रीड द रिमेनिंग न्यूज। द प्रोजेक्ट इज एक्सपेक्टेड टू कम्प्लीट बाई 2024 तक ये कवर कर लिया जाएगा। ओके, तो बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ, और न्यूज़ निकल के आ रहा है कोनू नेशनल पार्क से, एंड द न्यूज़ इज एक्चुअली फ्रॉम द एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी फ्रॉम एंड इंडिया टुडे हैव ऑलरेडी कवर्ड दिस न्यूज़। ओके, सो इट इज़ अ प्रपोज्ड होम फॉर द री एलोकेशन ऑफ द एशियाटिक लायंस फ्रॉम गीर नेशनल पार्क। ऑलरेडी चीता को भी कोनू नेशनल पार्क में रखा गया था, जो NABBIA से लाए गए थे, स्टार्टिंग मारा चीता। ठीक है, अब हुआ क्या है, 10 पीपल वर सडनली अरेस्टेड फॉर देयर एलिज्ड इन्वॉल्वमेंट इन फॉरेस्ट क्राइम्स इंक्लूडिंग हंटिंग एंड ट्री कटिंग नियर द कोनू नेशनल पार्क। ओके, ऐसे पकड़े गए हैं और 10 लोगों को अरेस्ट कर दिया गया। ठीक है, तो थोड़ा देख लेते हैं इसके बारे में। एशियाटिक लायन इज अ एंडेंजर्ड स्पीसीज एंड देयर आर अबाउट 600 लेफ्ट इन द वर्ल्ड, ओनली 600 लेफ्ट इन द वर्ल्ड। द लायंस इन गीर नेशनल पार्क आर इन ब्रीड एंड देयर एट रिस्क ऑफ एक्सटिंक्शन, सो द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिसाइडेड टू रीलोकेट सम ऑफ द लायंस टू कुनू नेशनल पार्क विच इज़ अ सस्टेनेबल हैबिटेट फॉर देम। हुआ क्या कि 600 ही सिर्फ बचे हुए हैं एशियाटिक लायन, इंडेंजर्ड स्पीशीज में हैं IUCN के रेड लिस्ट में, और इसीलिए गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि गिर नेशनल पार्क से हटा के उन्हें कुनू नेशनल पार्क में रखा जाए, जिससे शायद उनका सस्टेन होने का जो है वो चांसेस बढ़ जाएगा। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज काइंडली वर्किंग ऑन ए प्लान टू रीलोकेट द लायंस एंड इट इज एक्सपेक्टेड टू कम्प्लीट इन द नेक्स्ट फ्यू ईयर्स, जल्दी ही उसे खत्म कर लिया जाएगा। कुनू नेशनल पार्क इज अ प्रपोज्ड होम फॉर द रीलोकेशन ऑफ एशियाटिक प्लान लायंस फ्रॉम गीर नेशनल पार्क। ओके, सो दिस इज द न्यूज। ओके, एंड हेयर कम विद द लास्ट न्यूज, एंड अगर बात करें तो कुनू नेशनल पार्क जो है श्योर डिस्ट्रिक्ट, शिवपुर डिस्ट्रिक्ट मध्य प्रदेश में है। ठीक है, एंड इट इज नेस्टेड नियरली टू द इंडियन हिल्स, एंड वाइट इज नेम्ड एज अ कोनू नेशनल बिकॉज ऑफ द कोनू रिवर, वन ऑफ द मेन ट्रिब्यूटरीज ऑफ द चंबल रिवर। ओके, ऑलरेडी इट वॉज वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, नाउ इट रीनेम्ड एज नेशनल पार्क बाय द गवर्नमेंट इन 2018। ओके, एंड ऑफकोर्स मैंने पहले बताया था चीता को रखा गया था एंड ग्रासलैंड रीजन है। ओके, सो नाउ कम्स विद द लास्ट न्यूज, दैट इज IBD, एंड वाइट इज IBD, इट्स इन्फ्लामेटरी बॉल डिजीज। ओके, द न्यूज इज फ्रॉम द हेल्थ एंड द हिंदू ऑलरेडी कवर्ड दिस न्यूज। न्यूज सेज दे हैव, फर्स्ट लेट्स टॉक अबाउट वाई इट इज इन न्यूज। एक्चुअली क्या है, IBD हैज अंडरगॉन सिग्निफिकेंट शिफ्ट इन प्रिवलेंस इन इंडिया एज पर रिसेंट स्टडी पब्लिश इन द लैंसेट जर्नल। ओके, एंड इट इज अ ग्रुप ऑफ क्रॉनिक इन्फ्लामेटरी कंडीशन दैट अफेक्ट द गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। सो द न्यूज इज फ्रॉम द
health and science, if you want to add it in the science section. There have some recent advances in research and treatment. बिल्कुल रिसर्च और ट्रीटमेंट बढ़ावा हुआ है इसका. दिस इज ग्रोइंग अवेयरनेस ऑफ द कंडीशन. दिस इज ऑल्सो करेक्ट. देर इज नो नीड फॉर मोर रिसर्च फंडिंग ऑल्सो. सो ऑल द न्यूज आर करेक्ट इन द न्यूज बिकॉज दे हैव बीन सम रिसेंट एडवांसेज इन रिसर्च एंड ट्रीटमेंट एंड देर इज अ ग्रोइंग अवेयरनेस ऑफ द कंडीशन एंड देर इज अ नीड फॉर मोर रिसर्च एंड फंडिंग ऑल्सो. ओके IBD is a serious condition that have a significant impact on people's life. There is no cure for IBD, but are treatments that can help to manage the symptoms and improve quality of life. Okay. अगर मैं बात करूँ तो if we talk about IBD diseases. I will show you the picture actually for the gastrointestinal. Symptoms, here are the symptoms of IBD. Okay, so let's back to the news. And symptoms, it can be 70 and may include abdominal, but stomach pain, simple in simple terms, it's a stomach pain, sometimes diarrhea, weight loss rapidly, fatigue. Sometimes see fever and so on, skin problems, joint and everything. But the cause actually, the exact cause of IBD is still unknown. We don't have anything, bigger information about the cause. And IBD is a result of a weakened immune system. This is a possible cause. If anybody have a weakened immune system or kisi ka immune system bahut weak hai, to ye ek main reason ho sakta. And if we talk about the treatment, although there is no curative treatment for no curative treatment right now. Okay. So IBD treatment may include medication, surgery, and range of diet and lifestyle changes. First of all, you have to change your lifestyle, then only any kind of a problem will be solved. Before having a medicine, first anybody have to change their lifestyles. Drink lots of water, timely eat. This is the main lifestyle changes. Have a yoga or exercises or go to gym. This is the main thing which can remove or which can lower the risk of IBD right now. Okay, so this is the last news and I hope you guys are having a fun watching our video series. But do one thing, watch video series of current affairs or read current affairs from the newspapers or watch anybody's current affair, but definitely watch or read on the daily basis because current affair plays an important role for the prelims clearance. Already 30 plus questions have been asked every year from the current affairs sections, either from the history, geography, even the Kunu National Park comes under the news of geography. So some news is of history, current affairs, science, everything comes under the current affair, which is actually in the current recent news. So aasha karta hoon ki aapko video lectures achhi lagi ho and we'll meet in the next video. Till then, take care.